लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े, इसको लेकर सेवा भारती ने संस्था के नाम के अनुरूप ही सेवा करने का बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन के दौरान भोजनालय बंद होने के चलते मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती ने जिला चिकित्सालय, अमलतास अस्पताल और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। भोजन वितरण से पहले सुबह और शाम को बुकिंग की जाती है, उसके बाद नाम पूछने के बाद भोजन के पैकेट का वितरण किया जाता है। बता दें कि विगत 17 दिन से सुबह और शाम सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में लगातार भोजन का निर्माण कर पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में प्रतिदिन सुबह और शाम करीब 500 भोजन पैकेटों का वितरण किया जा रहा है। देवास सेवा भारती द्वारा भोजन का निर्माण यहाँ पे जो कोविड मरीज हैं उनको और उनके परिजनों के लिए यहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा है। इसको अभी 17 दिन हो गए हैं, 17 दिनों से चल रहा है। सुबह 200 पैकेट और शाम को 200 पैकेट, इस प्रकार से करीब 400-500 पैकेट रोजाना है।